मैं अभिषेक कुमार एसडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना पंजाब तो गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्म उत्सव उत्ते मेरे वल्लों आप सबनों लख लख वधाइयां अते प्यार नाल सत श्री अकाल। असी सब जानते हाँ गुरु तेग बहादुर जी सिखा दे 9वें गुरु सन ते इन्हां दा जन्म 6ठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे घर माता नानकी जी दे कुखों होया सी। गुरु जी दे जन्म बारे मैं बस इन्ना ही कहना चाहूँगा कि अकाल पुरख ते 8 गुरुआं दा पाके प्यार 1621 नूं प्रगट होए 9वें सिख गुरु करतार। गुरु जी का जन्म 1621 नूं होया सी। गुरु जी संत सभा के मालक सन। गुरु जी संतां भगतां दी सेवा करते सन ते ध्यान विच ही लीन रहिंदे सन। गुरु जी ने बचपन विच ही तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना यानी युद्ध कला सीख ली सी। हजे गुरु जी 13 साल के ही सन कि वह अपने पिता गुरु हरगोबिंद सिंह जी नाल करतारपुर विच युद्ध विच भाग लैण गए। गुरु जी ने युद्ध विच भाग ही नहीं लिया सगों युद्ध जीत के भी विखाया। उस युद्ध की छोटी जी झाकी मैं आप सामने पेश करदा हाँ। युद्ध विच अपनी सूझबूझ दिखा, युद्ध विच अपनी सूझबूझ दिखा ते निडरता दा दित्ता ऐसा प्रमाण। युद्ध विच अपनी सूझबूझ दिखा ते निडरता दा दित्ता ऐसा प्रमाण। बाहुबल दा जोर दिखा, बिजली वांगू तेग चला। दिता अधर्मियां नूं मोक्ष प्रदान। खुश होके गुरु हरगोबिंद जी ने दिता तेग बहादुर नाम। गुरु जी का नाम इस समय तेग बहादुर पै गया। गुरु जी ने उन्होंने तेग बहादुर का नाम दिता। पहला 9वें गुरु यानी साढ़े 9वें गुरु तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल से। हुण गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु जी ने तेग बहादुर नाम दिता। गुरु जी सिख धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगे रहते सन। जदों गुरु जी गुरगद्दी पर बैठे उस समय भी गुरु जी ने सिख धर्म का बहुत प्रचार किया। उस समय औरंगजेब का शासनकाल से जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है। जदों कश्मीरी पंडित औरंगजेब तो परेशान हो गए, गुरु जी को आए कि साढ़े धर्म की रक्षा करो। गुरु जी ने कहा इस समय किसी महापुरुष के बलिदान की लोड़ है। उस सोचा विच डुबे हुए सन कि कौन बलिदान करेगा। इन्हें गुरु जी के पुत्र गुरु गोबिंद राय आए। उन्होंने गुरु जी की समस्या का हल कढ़ते हुए कहा, गुरु जी इस वेले तुहाडे तो वड्डा होर कोई कौन महान हो सकता है, पिता जी तुसी बलिदान दो। जदों ये गल सुनी गोबिंद राय के मुख तो पंडितां ने कहा, पुत्र जेकर तुहाडे पिता जी बलिदान देंदे हाँ तो तुसी यतीम हो जाओगे ते तुहाडी माता गुजरी जी विधवा हो जाएगी। माता गुजरी जी विधवा हो जाएंगे। ये सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, जेकर मेरे कल दे यतीम होने नाल ते मेरी कल्ली माता दे विधवा होने नाल लखा माता विधवा होने तो बच सकते हैं ते लखा पुत्र यतीम होने तो बच सकते हैं तो मैनू मंजूर है। गुरु जी की अजिही बारीक सोच अपने पुत्र दे देख के खुश हो गए। उन्हों का सीना चौड़ा हो गया ते उन्हों पता लग गया कि यही मेरी गुरगद्दी का वारिस है। गुरु जी ही सन जिन्होंने गोविंद राय अर्थात गुरु गोबिंद सिंह वर्गा 10वां लासानी गुरु सिख धर्म नूं दिता, जिहड़ा एकदम मॉडर्न ते आधुनिक सोच रखता सी। गुरु जी चांदनी चौक फिर चले गए। गुरु जी ने इत्थे शीश ना चुकाया औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल करने लिए कहा पर गुरु जी ना मने। गुरु जी अपने विचार विच अडिग सन, अपने वचन विच अडिग सन। गुरु जी ने अपना शीश चांदनी चौक ते कुर्बान कर दिता। चांदनी चौक ते अपना शीश कुर्बान कर दिता। अंत में इन्ना ही कहना चाहूँगा, जिसने धर्म की रक्षा खातर दिता अपना शीश वार उही है 9वां सिख गुरु करतार। धन धन है अजिहा हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। धन्यवाद आप सब जी का।